श्रावस्ती में बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़। कोरोना काल में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही यहां सामने आई। प्राथमिक स्कूल ने सरकारी आदेशों को ठेंगा दिखाया। हिमालया प्राथमिक विद्यालय ने उड़ाई निर्देशों की धज्जियां। बिना आदेश प्राथमिक विद्यालय में बुलाए गए बच्चे, बिना सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के दिखे बच्चे। विभाग ने सिर्फ शिक्षकों को स्कूल जाने के दिए हैं निर्देश। कैमरा देखकर फिर मीडिया कर्मी पर भड़की शिक्षिका। बीएसए साहब अभी भी पूरे मामले से बेखबर। नासिरगंज हिमालया प्राथमिक विद्यालय का ये पूरा मामला। श्रावस्ती में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही। बिना आदेश के सरकारी स्कूलों में जमा किए गए बच्चे। शिक्षा विभाग ने सिर्फ अध्यापकों को स्कूल जाने का आदेश दिया। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के स्कूली बच्चे यहां सैकड़ों की तादाद में दिखाई दिए। दर्जनों की संख्या में जमा हुए स्कूली बच्चे। सभी बच्चे दिखे यूनिफॉर्म में। मीडिया का कैमरा हालांकि जब वहां पहुंचा तो इसे देखकर वहां मौजूद टीचर भड़क गई। श्रावस्ती जिले के नासिरगंज हिमालया प्राथमिक विद्यालय का यह पूरा मामला। श्रावस्ती में आदेश हुआ था कि शिक्षक स्कूल जाकर विभागीय कार्य करेंगे, लेकिन यहां बच्चों को भी बुला लिया गया। इनकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी किसके है? धर्मियां बिना मास्क के सारे बच्चे हैं, तो उसमें मैं क्या करूं सर? सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं। आप तो मैं तो खुद अभी आ रही हूँ, आप फालतू ले रहे हैं। पहले आप कैमरा बंद करिए, पहले आप कैमरा बंद करिए। बेवजह स्कूल में आके मुझे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इनकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी किसके है? तो श्रावस्ती कुल के 47 एक्टिव, यहां 18, हालांकि 28 ठीक हुए, एक की मौत भी हो चुकी है। श्रावस्ती जिले में एक्टिव केस अब भी 18 है। कुल केसों की संख्या की बात की जाए तो 47 अभी, और उसके बाद अगर इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं। ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं है, क्योंकि स्कूल हम लोग खोले ही नहीं हैं, और यदि ऐसा हुआ है तो संबंधित अध्यापक के ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी, इसकी जांच कराई ली जाएगी। और जहां तक बात है बच्चों को बुलाने की, तो मेरे संज्ञान में ऐसा अभी नहीं आया है, और यदि आता है तो मैं इस पर जो है कड़ी कार्रवाई करूंगा। अगर टीचर ने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया है और क्यों बुलाया है बच्चों को? क्या कोई ऐसा आदेश आया है कि स्कूल खोल दिए जाए, बच्चों को बुलाया जाए? नहीं। जावेद हमारे संवाददाता इस वक्त इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। नावेद आपसे ये जानना चाहेंगे, श्रावस्ती का ये स्कूल, छोटे छोटे ये बच्चे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रही है, कोरोना काल चल रहा है, छुट्टियों के दिनों में ये दर्जनों बच्चे स्कूल में कर क्या रहे हैं? दरअसल मैं बता दूं, ये पूरा मामला श्रावस्ती के जमना क्षेत्र का है। इसमें मामला ये था कि पहले 6 तारीख को बीएसए ने एक आदेश जारी किया, जिसके तहत शिक्षकों को स्कूल खोलकर और जो बच्चे हैं अभिभावक हैं उनसे संपर्क करके उनका खाता नंबर और ये सब जो है आधार और पैसे ट्रांसफर करने की बात सामने आई थी। उसके बाद शिक्षकों को आदेश दिया गया था कि अभिभावकों से संपर्क करके और उनका खाता नंबर और जमा करवाना है, लेकिन वहाँ शिक्षक ने क्या किया कि बच्चों को ही स्कूल में बुला दिया। जी अच्छा नावेद, ये बताइए, दरअसल जिस तरीके से टीचर आप कैमरा लेकर जब पहुंचे यहाँ शूट आप कर रहे थे, ये पूरी स्थितियों का आप जायजा ले रहे थे, टीचर ये कहती नजर आ रही है कि गार्जियंस को यानी कि परिजनों को बुलाया गया था, बच्चे आ गए, तो ये जानबूझकर ऐसा कुछ किया गया या वाकई परिवार वाले नहीं आए, परिवार वालों ने बच्चों को भेज दिया, कुछ मामला समझ आया आपको? फिलहाल जब मीडिया का कैमरा वहाँ प्रधानाध्यापिका मौजूद थी, जब वो मीडिया का कैमरा देखी तो वो मीडिया पर ही भड़क गई कि वीडियो क्यों बनाया जा रहा है, सब वो क्यों बनाया जा रहा है। हालांकि जब इस संबंध में बीएसए से बात की गई तो बीएसए ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है इस पूरे मामले में। अच्छा, परिवार वालों से भी आपकी शायद बातचीत हुई हो, बच्चों से भी आपकी बातचीत हुई होगी,
कोई आपको उसका उत्तर मिल पाया? परिवार वालों से अगर बात की आपने तो परिवार वालों का क्या जवाब था, किस बिना पर उन्होंने अपने बच्चों को कोरोना काल में स्कूल भेजा? कुछ अभिभावकों का ये कहना था कि शिक्षक ने बुलाया था बैंक खाते जमा करवाने के लिए, इसलिए बच्चों को स्कूल भेजा। चलिए बहुत शुक्रिया नावेद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।